हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोनसू LMTech 9 इंच 22 सेंटीमीटर टच स्क्रीन एंड्रॉइड 11 विद गोरिल्ला ग्लास IPS डिस्प्ले का स्टीरियो, जो कि आता है 2 GB रैम एंड 32 GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल स्क्रीन है जो कि किसी भी कार में लग सकती है। बस आपको हर एक गाड़ी का अलग फ्रेम आता है, आपको एक अलग से फ्रेम परचेस करना होगा एंड आप इसको किसी भी कार में लगा सकते हैं। ये इसकी मेन स्क्रीन है जिसके अंदर आपको इनबिल्ट स्पीड सेंसर मिल जाता है। जब आपकी गाड़ी रनिंग में होगी तो यहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड दिखाएगा एंड इसके अंदर आपको गूगल क्रोम, प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, ये सभी एप्लीकेशंस इनबिल्ट मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको कोई और एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करनी है तो वो भी आप इजीली प्ले स्टोर से कर सकते हैं। आपको जस्ट इसके अंदर अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है एंड आपके गूगल ID साइन इन करके आप कोई भी एप्लीकेशन इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपको 25 तरह के थीम ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको टोटल ये 25 यूजर इंटरफेस या फिर थीम आप कह सकते हैं ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी यूजर इंटरफेस इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें XT36 सिलेक्टेड था, आपने देखा होम स्क्रीन मेन्यू पर कुछ इस तरीके से दिख रही थी। अब मैं इसमें कोई और आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइज, इसके अंदर जो मेन स्क्रीन थी उसका इंटरफेस चेंज हो चुका है। इसके अंदर आपको एक फीचर और मिल जाता है कि अगर आप नाइट ड्राइव कर रहे हैं एंड लंबी जर्नी में कभी कभी स्क्रीन आपकी रोशनी आंखों में चुभने लगती है तो सिचुएशन में आप इसकी स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं। इसका जो ऑडियो आउटपुट है वो कंटिन्यूस रहेगा। इसके अंदर आप वाया USB कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं या फिर आप ऑन कॉल हैं, अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं और या फिर आपके ब्लूटूथ से कोई गाना चल रहा है तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जस्ट इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी एंड विद अ सिंगल टैप आप इसको वापस एक्टिव कर सकते हैं इस तरीके से। गाइस, इसके अंदर आपको DSP मिल जाता है, डिजिटल साउंड प्रोसेसर। इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद इसमें आप इस तरीके से इसकी जो इक्विलाइजर उसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको DSP मिल जाता है, ESP मिल जाता है, बैलेंसर मिल जाता है। इसके बाद आपको ये सराउंड की सेटिंग मिल जाती है जिसमें आप सराउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाउडनेस ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसके अंदर सबवूफर की सेटिंग है जिससे कि आप इसका जो बेस है उसको ऑफ, लो, मीडियम, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये चार ऑप्शन में से किसी पर भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, इसके अंदर आपको 2 GB रैम मिल जाती है, 32 GB स्टोरेज मिल जाती है, MTK सीरीज का MediaTek 8163 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एंड एक जो नॉर्मल कार एंड्रॉइड में जितने भी फीचर्स एंड फंक्शन है उनको ऑपरेट करने के लिए ये प्रोसेसर इनफ है। गाइज, इसका जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है, फैक्ट्री पासवर्ड, वो 6x0 है। इसके अंदर आपको ये सभी सेटिंग मिल जाती हैं। ये इसके अंदर कैनवा सेटिंग है, अगर आप शेवरले क्रूज जैसी कोई गाड़ी यूज कर रहे हैं या फिर टाटा नेक्सोन के लिए परचेज कर रहे हैं तो आपको कैनवा रिलेटेड सेटिंग सारी यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा ये आपको सभी इसमें कैनवास ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी कैनवास आप इसमें कनेक्ट कर रहे हैं उसकी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। गाइज, ये फ्रंट स्विच, इसमें फ्रंट कैमरे का ऑप्शन है, आप इसमें एक साथ ड्यूल कैमरा चला सकते हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरे इसमें सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपका 360 कैमरा भी सपोर्ट करता है। ये सभी ऑप्शन इसके अंदर है। ये स्पीड, जो स्पीड दिखती है उसको आप किलोमीटर पर आवर एंड माइल पर आवर के हिसाब से सेट कर सकते हैं एंड ये सब इसमें बाकी ऑप्शंस हैं। इसके अंदर आपको वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपके पास कोई भी बेस वेरिएंट गाड़ी है तो उसके अंदर आप इसमें यूनिवर्सल स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल भी लगा सकते हैं और आपके पास अगर कंपनी फिटेड कार में स्टीयरिंग व्हील है तो उसकी सेटिंग आप इसमें यहाँ जाके कर सकते हैं। आपको जनरल में जाना है और SWC सेटिंग इंटरफेस पे जाके आपको एक कोई भी बटन यहाँ प्रेस करना है एंड देन आपके स्टीयरिंग पे प्रेस करके कैलिब्रेट कर लेना, उसके बाद इसमें आपको वर्क करने लगेगा। ये इसके अंदर आपकी सारी साउंड की सेटिंग है। ये इसके अंदर आपकी डिस्प्ले की सेटिंग है कि आप स्क्रीन सेवर ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं
एंड बाकी सभी चीजें। गाइज हमारी स्क्रीन की टोटली HD IPS डिस्प्ले है, मैं आपको इसमें एक वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। गाइज आप देख सकते हैं जो कलर्स है वो काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं। एंड IPS डिस्प्ले में क्या होता है कि आप इसको किसी भी एंगल से देखते हैं तो जो कलर आउटपुट आता है वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ये देखिए मैं आपको इसको टोटली हर एंगल से दिखा रहा हूँ, लेकिन जो इसका डिस्प्ले आउटपुट है वो आपको बिल्कुल सेम रहेगा। एंड जो आपकी नॉन IPS डिस्प्ले होती है उसमें एंगल चेंज होने से व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा अलग आने लगता है, लेकिन इस स्क्रीन में ऐसी कोई इशू नहीं है। इसको आप किसी भी एंगल से देखेंगे आपको जो व्यू है वो बिल्कुल सेम आने वाला है। इसके अंदर गाइस आप स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है कि कोई भी दो बार्स को इस तरीके से करना है एंड इसके बाद आप ये देखिए इसके अंदर अभी एक साइड वीडियो खुला हुआ है एंड एक साइड सेटिंग खुली हुई। गाइस गूगल मैप्स यूज करने से पहले जस्ट आपको क्या करना है कि आपने गूगल की ID साइन इन कर लेना है एंड प्ले स्टोर के ऊपर से आपको ये सभी एप्लीकेशन अपडेट कर लेनी है। गाइस इसके बाद इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। जब भी आप अपने ब्लूटूथ से गाने चलाते हैं तो आपको ये BT म्यूजिक ऑन कर लेना है, इसके बाद ही आपके जो फोन के सॉन्ग्स है गाड़ी में प्ले होंगे। गाइस मैं आपको कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ कि इस स्क्रीन के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो हमारी मेन 9-inch स्क्रीन है। गाइस आपको इसके साथ देखिए एक्सटर्नल माइक मिल जाता है, एक माइक इसके अंदर स्क्रीन के अंदर ये इनबिल्ट, उसके अलावा एक ही एक्सटर्नल माइक है जिससे कि जब आप दोनों माइक यूज करते हैं गाड़ी में लगा लेते हैं तो आपका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा हो जाता है। सेकेंड नंबर पे गाइस आपको ये रिवर्स कैमरा सॉकेट मिल जाती है, जो भी आप रिवर्स कैमरा लगाते हैं वो इसी सॉकेट से कनेक्ट होगा। गाइस एक ही आपको 5RC केबल मिल जाती है, इसके अंदर आपका एम्पलीफायर का, सबवूफर का, सेकेंडरी कैमरा का, ओक्स का आउटपुट सब मिल जाता है इसमें। इसी के अंदर आपको आपका एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना है। गाइस दो इसके अंदर आपको USB सॉकेट मिल जाती है। गाइस एक आपको ये मिल जाता है इसका GPS कनेक्टर, जो कि आपकी करंट लोकेशन को और अच्छे से डिटेक्ट करता है, और एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है जब आप गूगल मैप्स या फिर कोई भी नेविगेशन यूज करते हैं। गाइस ये सिस्टम आता है विद 1 ईयर वारंटी, विद इन 1 ईयर इसमें कोई भी इशू आता है तो आपको न्यू पीस एज अ रिप्लेसमेंट हमारी तरफ से प्रोवाइड होगा। थैंक यू गाइस।